हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एप्पल प्यूरी बनाने की रेसिपी। एप्पल प्यूरी बेबी के लिए हेल्दी तो है ही, साथ ही साथ इसे बनाना भी काफ़ी आसान है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है एक फ्रेश एप्पल। अब हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब बारी है इसके छिलके उतारने की। हमने इसके छिलके अच्छे से उतार लिया है। एप्पल को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। चलिए अब इसे स्टीम करते हैं। आप चाहो तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हो, पानी में उबाल करके भी बना सकते हो, या फिर स्टीम करके भी बना सकते हैं। बट बेस्ट वे है इसे स्टीम करके बनाना, क्योंकि इसके जितने भी पोषक तत्व हैं वो बरकरार रहते हैं। अगर आप इसे बॉईल कर लोगे तो इसके सारे न्यूट्रिशंस ख़त्म हो जाते हैं। फ्रेंड्स, एप्पल स्टीम करने के लिए घर पे जो उपलब्ध हो आप वो ले सकते हो। मैंने यहाँ पे ये लिया है। अब हम कटे एप्पल को स्टीम के लिए 8 से 10 मिनट छोड़ देंगे। आप चाहो तो इसे मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हो, या फिर आप इसे ग्रेट भी कर सकते हो। मैं इसे मैश करती हूँ, ये मुझे काफ़ी आसान लगता है। इसको आप चाहो तो डेली भी दे सकते हो बच्चे को। ये एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। बच्चों को सर्दी खांसी से भी बचाता है और बहुत से बीमारी से भी प्रोटेक्ट करता है। फ्रेंड्स, मैंने अपनी बेबी का फर्स्ट फूड एप्पल लिया था और उसे मैंने 5.5 से 6 महीने के अंदर देना शुरू कर दिया था, और मेरी बेटी उसे बहुत इंजॉय करके खाती भी है। अगर अभी तक आपने अपने बच्चे को कुछ भी नहीं दिया है, पहली बार आप फर्स्ट फूड ही बच्चे का एप्पल प्यूरी रखना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली उसे बच्चे को दे सकते हो। चले अब मैं अपनी डॉटर को इसे खिला के दिखाती हूँ वो कैसे इसे एंजॉय करके खाती है। फ्रेंड्स, आपने मेरे पिछले वीडियो को बहुत पसंद किया था, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो मेरी ज़रूर पसंद आएगी। If you like this video, please subscribe my channel. Thank you.